ये वीजा है और वीजा हमें हम लोग को लगाना है, अपना फोटो अभी लगाएंगे वैसे अभी हमें को समझ में नहीं आ रहा, भाई ने गम भी नहीं दिए तो एक ही है, एक ही अपना ऑप्शन है। अभी अभी एक सूत्रों के हिसाब से हमें एक खबर मिली है कि यहाँ के बाथरूमों में पानी नहीं है, खाली टिश्यू पेपर है। ये भगवान क्या जुलुम है भाई, क्या क्या हुआ आपके साथ, आपके साथ क्या हुआ? तो ये है कि हम गए वॉशरूम में हमने बैठे और जब देखा हमको लगा हम इंडिया में, जब हाँ। देखा तो हमको बाद में लगा कि हम तो थाईलैंड में, या तो पानी नहीं है तो टिश्यू पेपर है। मुझे अपने घर जाना है। So, hey guys, welcome back to my new vlog. तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं थाईलैंड, तो आज रात की हमारी थाईलैंड की फ्लाइट है और जा रहे हैं हम लोग, एक ये दो और ये मेरे बड़े भाई, तीन, हम तीन जन जा रहे हैं और बाकी के लोग जा रहे हैं हमको वहाँ पे ड्रॉप करने एयरपोर्ट पे। तो मुनीर भाई, ये मुनीर भाई, सो सैड, क्या कर सकते, काम कर और क्या करेगा, बात तो सही है। काम अच्छा करेगा तो मौका भी मिलेगा। ये रफ्तार भाई, तो गाइस एयरपोर्ट पहुंचने में हम लोग को हो चुका है बहुत लेट और वहाँ पे भी हमारे दो मेंबर खड़े हुए, यहाँ हम लोग तीन है, बहुत सारे मेंबर, वहाँ बहुत सारे मेंबर है वैसे, लेकिन वहाँ दो मेंबर जो ऐसे है जिनको हम जानते हैं पर्सनली, तो वहाँ पे दो जन है, उनसे भी मिलना है, उनको भी पांच मिनट बोल के हम लोग बहुत टाइम से रुका रहे, देखते कितनी देर में पहुंचते, बहुत पांच मिनट बोल के घंटा रुकाते, पांच मिनट बोल के घंटा रुकाते, भाई ने मेरे को भी बहुत टाइम ऐसा रुकाया है, भाई बोलते थे 5 मिनट में आ रहा हूँ और मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा रहता था और भाई 2 घंटा से 2.5 घंटा लेते थे रेडी होने में, खाली रेडी होने में भाई 2.5 घंटा लेते थे और मैं खड़े रह जाता था, असर से मगरिब हो जाती थी, मगरिब की अजान हो जाती थी और असर की भी अजान सुन लेता था, फिर भी भाई आते ही नहीं थे और बात पे मीम भेजते, अब भी ठीक करके देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ। सो गाइस हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके, जस्ट नाउ वी रीच्ड हियर, 4 नंबर पे भाई, 4 नंबर पे, ये तीन है, हाँ बाजू में चटक के दो, ये तीन है, एक दो तीन, बड़ा हरामी हो। तो ये हमारे जो छूटे हुए इंसान थे यहाँ पे, जिनके लिए हम वेट कर रहे थे, हमने ये हमारा वेट कर रहे थे, हमने ही वेट कर रहे थे, चलो कर दो अलविदा, चल मुनीर मेरा बच्चा, लव यू। तो गाइस हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ चुके, समीर भाई कैसा लग रहा है? बहुत हेल्दी भी है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत एयरपोर्ट में हंसते ही हम लोग अभी जा रहे इमिग्रेशन के लिए, पहले फॉर्म फिल करने जाना है क्योंकि यहाँ से वीज़ा फ्री है, बाकी वहाँ पे वीज़ा हम लोग को लगने वाला है। यहाँ हम लोग को बोला गया था डी ब्लॉक पे आने के लिए और डी ब्लॉक पे आने के बाद यहाँ हम लोग को संजोग नाम का इंसान मिलेगा और संजोग पे यहाँ दिख नहीं रहे, मामू का आदमी नहीं है यहाँ पे, हम लोग थाईलैंड ही जा रहे हैं, पैन पैसिफिक होटल, लोग यहाँ पे अभी बोर्डिंग पास के लिए लाइन लगाए वेटिंग पे। तो गाइस हम लोग को ये मिला है, ये वीज़ा है और वीज़ा हमें हम लोग को लगाना है, अपना फोटो अभी लगाएंगे वैसे अभी हमें को समझ में नहीं आ रहा, भाई ने गम भी नहीं दिए तो एक ही है, एक ही अपना ऑप्शन है। तो गाइस हम लोग को अपने बोर्डिंग पास भी मिल चुके हैं, आयान भाई का बोर्डिंग पास अभी पेंडिंग में, देखो ना यार भाई ने दो पासपोर्ट लाए, अरे खत्म हो गया भाई, भर गए थाईलैंड बूम बूम, थाईलैंड बूम बूम, भाई के मुंह में मुस्कुराहट आ जाती है, तो जब जब मैं उसको थाईलैंड बोल रहा हूँ तब तब वो मुस्कुरा रहा है। नंगा कर देते लोग, जो पहन के आओ सब उतारो, जो पहन के आए सब उतारो, उसको फिर से रखना पड़ेगा, और अगर मैं ऐसा फेस बनाता था तो मेरे को ऐसी एंट्री मिल जाती थी, लेकिन मेरे को ऐसा, अच्छा। तो गाइज हम लोग का इमिग्रेशन हो चुका है और हम लोग अभी आ गए ड्यूटी फ्री, शराब सेहत के लिए हानिकारक है, हाँ टॉफियाँ खा सकते हैं, चॉकलेट्स खा सकते हैं, पर शराब वराब से दूर रहो, ठीक है समरिया। तो हम लोग की चेकिंग हो चुकी है, हम लोग को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक झंझोड़ के चेक कर चुका है कि हम लोग के पास कुछ गलत और अवैध हथियारें तो नहीं है, तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं है और हम लोग रुके हुए अरबाज भाई के लिए,
हरबाज भाई को अभी थोड़ा टाइम जा रहा है। गाइस मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। हाँ यहाँ पे भी अपना प्रमोशन। ये नहीं बोल रहे उस्मान का चैनल सब्सक्राइब करो, उस्मान को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, प्यार करो, और मेरे चैनल को भी जाके मिस्टर अरबाज पटेल यूट्यूब पे जाके मजे लो और देखो। अरे खलील तू क्या कर रही है? तो यहाँ हम लोग सिम कार्ड लेने रुके, अभी कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है कि यहाँ से सिम कार्ड लेना है कि थाईलैंड से ही लेना है। अरबाज भाई क्या बोल रहे, फिर क्या करने? एक तो तुमसे बात करने के लिए ना भाई कैमरा थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ता है मेरे को। नहीं वो चाहिए अनलिमिटेड से अपना कुछ होने वाला है वो कुछ तो नहीं होने वाला। अपन यूज करते हैं ओके, तो अपने को अनलिमिटेड चाहिए। ओके तो हो गया डिसाइड, हम लोग नहीं लेने वाले हैं यहाँ से सिम। समीर भाई बोल रहे हैं कि हम लोग वहीं जाके सिम लेंगे, नहीं तो हम लोग एक भी रील नहीं डालेंगे। वो है कुछ ऐसे लोग। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अयान भाई बहुत बहुत ही अश्लील अश्लील मूवी देखते। अश्लील है ये लोंडा। भाई को अचारी मसाला खाने गए और भाई डाइट पे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो काला वाला ज्यादा डालना भाई, जामुन एक दो तीन। हाँ बस जामुन डालो, जामुन डालो एक दो तीन। ये हाँ टमाटो डालो, टमाटो महंगा है भाई, डालो डालो और डालो। तो हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं अपना खाना, तो खाने के बाद कंटिन्यू करते हैं साथ में। ओके तो हम लोग फ्लाइट पे बैठ चुके हैं, भाई को मिली है, भाई को नसीब से मिली है विंडो सीट, और भाई के बाजू में जस्ट मैं हूँ, और मेरे बाजू में आयन भाई, और अरबाज भाई की थोड़ी तकलीफ हो गई है। अरबाज भाई की हाइट इतनी है कि अरबाज भाई की हाइट के वजह से अरबाज भाई को यहाँ पे सीट बराबर हो नहीं रही है, अरबाज भाई के पैर नहीं फैल पा रहे। भाई बैठ जाओ अच्छे से, थोड़ा पीछे कर लो इसको, क्या है एक उसके सर पे रखो, एक उसके सर पे। अच्छा सब्जी में क्या है वो भी देखना पड़ेगा। संभालो नहीं, ये मेरे हिसाब से मटर पनीर है, आलू गोभी, मटर पनीर है, आलू गोभी और चावल। डू यू हैव एनी चाइनीज फूड? नो, मेरा चाइनीज, छोटे मंचूरियन लगाना है। क्या कर रहे हैं यार तू? चार घंटे का ट्रैवल करने के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ प्लेन लैंड होने वाला है। सब लोग ने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है। भाई तुमने बांध ली? भाई ने भी कुर्सी की पेटी बांध ली है। आयान भाई ने भी कुर्सी की पेटी बांध ली है। बांधने के लिए अभी समय है। अरे भाई थोड़ा सा मिस होता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। फाइनली हम लोग थाईलैंड लैंड कर चुके। क्या बोला तूने? थाईलैंड लैंड कर चुके एकदम 4.5-5 घंटे की एकदम क्या बोलो। कैसे गए वो 4.5-5 घंटे में आपको बता नहीं सकता हूँ। और अभी यहाँ पे और टास्क है, एयरपोर्ट में फिर से इमिग्रेशन होगा, फिर 1.5-1 घंटे की टाइम पास होने वाली है, मावेन होने वाली है। तो गाइस हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं, और ये हमारी बस है पीछे वाली,
व्हाइट वाली हमारी बस है, तो बस में जाएंगे और यहाँ से होटल का रास्ता है 2 घंटा, तो एकदम हालत ख़राब हो चुकी है बस। अभी ऐसा लग रहा है कि सोना है, बस सोना है, बहुत थक गए, एकदम जेट लैग लग गया है। अभी बस सोने के लिए ही जा रहे हैं हम लोग, जाएंगे और सीधा सो जाएंगे। और यहाँ के अभी एक सूत्रों के हिसाब से हमें खबर मिली है कि यहाँ के बाथरूमों में पानी नहीं है, खाली टिश्यू पेपर है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो और डर लग रहा है। और ये खुद का तजुर्बा है एक इंसान का, जो अपना भाई है। भाई क्या क्या हुआ आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ हादसा हुआ, और ये कोई नई बात नहीं, हमारे साथ ऐसे हादसे होते रहते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। हुआ क्या? होते रहते छोड़ो। ये है कि हम गए वॉशरूम में, हमने बैठे और जब देखा, हमको लगा हम इंडिया में है, जब देखा तो हमको बाद में लगा कि हम तो थाईलैंड में, या तो पानी नहीं है तो टिश्यू पेपर है। तो तुमने टिश्यू पेपर से पूरा टिश्यू पेपर रब रब करके सूख कर लिया तुमने वहाँ पे। तो ये खुद का तजुर्बा है अरवाज भाई का, तो हम लोग अभी थोड़ा सेफ रहेंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बिस्लेरी की बोतल में पानी लेके जाएंगे वॉशरूम। हम तो ऐसा नहीं करने वाले भाई, पोछने उछने वाले नहीं, हम धोने वाले पोछते नहीं, हम धोएंगे अच्छे से धोएंगे। अच्छा। A few moments later. यहाँ फेस वॉश करने के बाद हमको मालूम पड़ा है टिश्यू ही नहीं है, तो अभी हम लोग फेस को ऐसे छुपाएंगे। So guys, finally हम लोग होटल के बाहर आ गए। अयान भाई आज दिखाओ तुम्हारी यार, ये इंसान फुल नींद में है, बस में सो गया था, हम लोग को तो नींद मिली नहीं। और हम लोग आ गए अभी होटल के बाहर, जल्दी वहां से करो। भाई, क्या हुआ भाई? So guys, अभी हम लोग आपको रूम टूर कराएंगे। रूम सबके अलग अलग थे, लेकिन हम लोग 3 जने एक रूम में, समीर भाई, मैं और अयान भाई। कैमरा पलटा के दिखा, मैं हूँ अयान। तो ये अयान भाई है, और हम लोग बहुत ज्यादा ही थक चुके थे, तो हम लोग ने सोचा ये कि हम लोग पहले चेंज करेंगे, फिर उसके बाद रूम टूर कराएंगे। तो आपको रूम टूर कराता हूँ। ये हमारा बाथरूम विथ बाथटब, आ जाओ बॉस, दिला दूंगा। नहीं, हम मैं नहीं दिलाऊंगा। और यहाँ आप हल्के हो सकते हैं, एकदम आराम से हल्के हो सकते हैं। लाइट चालू कर दी जाए, यहाँ की अंधेरा कायम रहे, यहाँ चालू नहीं हो रही। हाँ, हुई हुई। तो यहाँ पे आप हल्के हो सकते हैं, और यहाँ आप रेडी हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा रूम है। और ये हमारा छोटा सा किचन, बनाना तो कुछ है नहीं हमको, पर हाँ नाम के लिए फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, और खाली एक पानी की बॉटल है उसमें। आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, आ जाओ बॉस, आ जाओ। तो ये हमारी गैलरी का व्यू, यहाँ पे भी जा सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। तो सामने ही समंदर है बॉस, एकदम सी फेस में होटल है। आ जाओ बॉस, दिला दूंगा। तो गाइस, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और अभी ये ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया, तो हम लोग ये ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे सोने, बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं गाइस। तो टिल देन, टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।